बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर हैं एक नई वीडियो के साथ। आज का ये पूरा एहतजाज और फरीदकोट औसा सेक्रेट मेन गेट एहतजाजी रैली जो है, पंजाब के मुलाजमीन का जो इस्तेहसाल किया जा रहा है, केयर टेकर गवर्नमेंट ने जो नजायज तरामीम की थी, वादा भी किया हमारे एहतजाजों के नतीजा में मोहसिन नकवी साहब की हुकूमत ने वो वादा खिलाफी की। आज हमको लेटर लिखे हुए मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा को, एक हफ्ता हो गया कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो सिर्फ पंजाब में तरामीम करके पंजाब के मुलाजमीन को नुकसान पहुंचा गई है, सितारा ऐसा नुकसान पूरे मुल्क में न किसी दीगर सूबे ने अपने मुलाजमीन को पहुंचाया है, न वफाकी हुकूमत ने पहुंचाया है। तो आप पंजाब में वजीर आला आई है तो सितारा ये तरामीम फिल फौर मनसूख की जाए, क्योंकि उसके ऊपर हमें रिस्पॉन्स नहीं मिला। इसलिए रोजे के साथ आज पूरे पंजाब के तमाम जिलों में डीसी ऑफिस के बाहर और लाहौर में हम चीफ सेक्रेटरी पंजाब के दफ्तर के बाहर एहतजाजी रैली लेकर आए हैं, लेकिन अभी तक चीफ सेक्रेटरी पंजाब या उसकी टीम ने किसी ने ये गौरा नहीं किया कि वो बुलाकर हमारी बात सुने। ये बात भी सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये खुद मराहत जो है वो डिस्क्रिमिनेटरी ले रहे हैं। इम्तियाजी तौर पर इन्होंने मराहत ले रखी है, हमारे पंजाब भर के वर्दी गैर वर्दी मुलाजमीन को पूरी तरह कुचल दिया है। सात महीना महंगाई हम कहते थे, अब ये महंगाई जानलेवा हो चुकी है। रमजान में मुलाजमीन के घराने कैसे रोजे रखे, कहां से फ्रूट खरीदे, कहां से आटा खरीदे, मुलाजमीन की दस्तर से बाहर हो चुका है। अगर मुलाजमीन ने खुद कशियां की मजबूरों का, तो इसके जिम्मेदार चीफ सेक्रेटरी साहबान, सेक्रेटरी साहबान, सेक्रेटरी फिनांस मुल्क भर के और हुकूमत वक्त होगी। लिहाजा हम मीडिया की वसात से अपील करते हैं कि खदारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इंसाफ तो कर दो, जो खुद अंदर बैठे दे रहे हो कोई तरह और मराज कोई नौसी पंजाब भर में वर्दी बगैर वर्दी सबको दे दो, एहतजाज कोई नहीं करेगा। क्या ये मुश्किल है दोस्तों? मैं आपसे ये अपील करता हूँ कि ये आजाद प्रेस मीडिया हमारे लिए अल्लाह ताला की एक नेमत से कम नहीं है, ये हमारी आवाज हाईलाइट कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी हिम्मत और तौफीक में मजीद बरकतें डाले और हुक्मरानों को तौफीक दे कि वो हमारे मुतालबात जल्द माने और हम इनके लिए दुआ हो सके। शुक्रिया।